हेलो एवरीवन कैसे हो आप लोग आई होप आपका डी एल आर प्रैक्टिस सेट्स की वजह से मूड तो अच्छा हो रहा हो ही रहा होगा आई ऑल्सो होप कि आपको ये सेट्स बहुत मजेदार लग रहे हैं अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है सो लेट अस मूव ऑन टू द सेट नंबर एटीन दिस इज सेट बेस्ड ऑन फ्लोअर अरेंजमेंट फ्लोअर अरेंजमेंट ओके इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको पढ़ना है तो आपको पता है कहां पे जाना है गो टू द प्ले लिस्ट डीआईएल कॉन्सेप्ट उसमें आपको फ्लोर अरेंजमेंट का सेपरेट चैप्टर दिखेगा उसमें मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया हुआ है दिस इज द सेट एंड दीज आर द क्वेश्चन जैसे हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देर ईच ऑफ द सेवन पर्सन Lives on different floors of a seven storied building and the floor immediately above the ground floor is blah 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 each of the person has a different age to pehla parameter aayega hamesha aapko pata hai kya karna hai floor arrangement mein bina jijhak aapne floors fixed rakhne second is the person and third column is the age and fourth column हमेशा की तरह आपको पता है विच does not belong to that particular r the floor on which d lives is four floors below the floor on which the person whose age is 49 years lives to below above me confusion matura dena hamara recently ek set mein previous set mein set number 13 ya 14 mein bahut zyada time waste hua tha correct ये actual exam में भी हो सकता है, so be aware okay बहुत basic mistakes होती hain so the floor on which d lives is four floors below the floor on which एज ऑफ फोर्टी नाइन ईयर्स कहीं पे तो भी रहता है और उसके एक दो तीन फोर्थ फ्लोर नीचे डी रहता है द फ्लोर ऑन विच डी इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑन विच दर्सन एज इज प्राइम नंबर लीवस तो प्राइम नंबर कौन से कौन से इसमें 19 एंड नाइनटीन सो जस्ट अबोव डी इज 19 ईयर्स ओल्ड पर्सन

तो ये कितने फ्लोर्स हो गए फोर्टी नाइन उसके नीचे एक फ्लोर उसके नीचे दो उसके नीचे तीन एंड डी तो एक दो तीन चार पाँच छः सात ये पूरे सातों फ्लोर का हिसाब लग गया मुझे एटलीस्ट तो सेवन्थ फ्लोर पे फोर्टी नाइन ईयर वाला रह रहा है दो फ्लोर्स छोड़ के फोर्थ फ्लोर पे नाइन्टीन ईयर्स ओल्ड रह रहा है अगर ये सेवन्थ फ्लोर है तो ये सिक्स फाइव फोर थर्ड फ्लोर पे डी है डी के नीचे एक फ्लोर छोड़ के सिक्सटी फोर ईयर्स ओल्ड है तो नाइनटीन 49 एंड 64 एंड डी ये लोगों का प्लेसमेंट फाइनल हो चुका है जितनी इंफॉर्मेशन आपको पता है कि पॉइंटर सिस्टम में जितनी इंफॉर्मेशन आप डिराइव कर सकते हो उतनी करके आगे आगे लिखते जाना है नेक्स्ट पॉइंट द पर्सन हुज एज इज 19 इयर्स लिवस बिलो द फ्लोर ऑन विच ई डज नॉट लिव ऑन द सेवेंथ फ्लोर तो सेकेंड हाफ बोलता है कि ई डज नॉट लिव ऑन द सेवेंथ फ्लोर एंड 19 वाला लिव्स बिलो ई तो ई लिव्स इधर ऑन सिक्स और ऑन फिफ्थ फ्लोर करेक्ट हर बार पॉइंटर सिस्टम में लिखने की जरूरत भी नहीं है अगर आप डायरेक्ट इसमें अरेंज कर सकते हो तो ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच ई एंड द पर्सन हो एज इज थर्टी टू ईयर लिवस तो ये पॉइंट को अच्छे से समझो अगर ई सिक्स फ्लोर पे रहता है तो ई e के ऊपर एक फ्लोर छोड़ के थर्टी टू वाला रहेगा या तो फिर नीचे एक फ्लोर छोड़ के थर्टी वाला रहेगा तो ई सिक्स पे रहेगा तो उसके ऊपर एक फ्लोर छोड़ के जगह ही नहीं है और उसके नीचे फोर्थ फ्लोर, फ्लोर पे 19 इयर्स ओल्ड इंडिविजुअल रहता है दैट्स इज नॉट लिविंग ऑन फ्लोर एंड ई इज फिक्स ऑन फिफ्थ फ्लोर जिसके ऊपर एक फ्लोर छोड़ के फोर्टी नाइन वाला है तो जिसके नीचे एक फ्लोर छोड़ के थर्टी टू वाला रहेगा हु इज करेक्ट द एज ऑफ एज ट्वाइज ऑफ बी ओके पॉइंट नंबर टू से कितने नंबर है यहाँ पे two times वाले? एक तो into two, है. अगर बी का एज नाइनटीन रहेगा तो ए का थर्टी एट रहेगा दूसरा ट्वेंटी फोर नहीं है थर्टी टू इंटू सिक्स अगर बी का थर्टी टू तो ए का सिक्सटी फोर बट थर्टी टू तो आपने डी को अलॉट कर दिया इसलिए ए का सिक्सटी फोर नहीं हो सकता देन थर्टी एट इंटू टू सेवेंटी सिक्स नॉट अवेलेबल सो बी का एज नाइनटीन ईयर्स एंड ए का एज थर्टी एट ईयरस ये मेरा अलॉट हो गया किसकी वजह से राइट सो बी भी चले गया अभी नेम ऑफ दर्सन ऑन फ्लोर नंबर वन टू सिक्स सेवन बचे अवेलेबल क्या है ए सी एफ जी ओके द एज ऑफ एके

सेवेंथ एंड फर्स्ट पे नहीं जाएगा तो सेकेंड एंड सिक्स पे आ सकता है करेक्ट एफ अगर सेकेंड पे आया तो ए फर्स्ट पे जाएगा बट ए का एज तो थर्टी एट है। मतलब एफ को सिक्स फ्लोर पे जाना पड़ेगा और हुज एज इज थर्टी एट ईयर विल गो ऑन सेकेंड फ्लोर करेक्ट अभी दो लोग बचे हैं मेरे सी एंड जी उसमें बोला है उसने कि एंड दो एजेस बचे ट्वेंटी सेवन एंड फिफ्टी फाइव

तो 27 वाला कैन नॉट बी ऑन फिफ्थ फ्लोर क्योंकि उसके इमीडिएट ऊपर इमीडिएट नीचे जगह ही नहीं बची है दैट्स वाई एफ इज 27 सेवन ईयर्स ओल्ड तो सी इज ऑन सेवेंथ फ्लोर तो ई e का एज बचेगा मेरा 55 एंड फर्स्ट फ्लोर का नाम है जी एज सिंपल एज दैट द क्वेश्चन आर वॉट इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ ई एंड सी 55 फाइव प्लस फोर्टी नाइन इज वन who lives on the floor which is three floors below the floor on which b lives b K, Ek, Do, third floor niche either g or the one whose age is 64 years who is second youngest person second youngest corner, 27 years old he is f who lives on the seventh floor c or the one who is 49 years old and what is the age of the person who is on the fifth floor 55 years itne simple questions bhi aate guys okay thank you for watching all the best